कोरोना से डरे सहमे कॉलेज स्टूडेंट्स ने करीब 1.5 साल बाद ऑफलाइन पढ़ाई के लिए कॉलेज में कदम रखा। उन स्टूडेंट्स में ज्यादा कौतूहल था जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए पहली बार पहुंचे। लीजिए जरा इनका एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पंख मिल गए हो, समथिंग स्पेशल। ऐसे कि घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन भी नहीं होती है, और आप जानते हो घर पे हेल्प करवानी पड़ती है मोम एंड डैड की स्पेशल। अब कॉलेज आए हैं तो कुछ और ही देखने को मिलेगा, फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, नई नई टीचर्स, कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस मिला है मुझे तो। ओवरऑल तो बहुत खुशी है कि कॉलेज खुल गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता कि हाँ अब आगे पढ़ाई करेंगे। और ऑनलाइन से तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी हमसे पढ़ाई, तो ऑफलाइन है तो थैंकफुल टू कॉलेज एज वेल थैंकफुल टू गॉड। अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थे कॉलेज आने के लिए, बिकॉज आफ्टर मैक्सिमम 1.5 ईयर के बाद हम इंस्टीट्यूट में आए एंड अच्छा लग रहा है काफी। उतना ही उत्साह कॉलेज टीचर्स में भी था। उनका कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई में कई इश्यूज थे, अब परेशानियां भूलकर आगे की ओर देखेंगे। सर पहली बात तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, 1.5 साल बाद कॉलेज खुल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वही ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, लाइक किसी के पास डाटा का इशू है या नेटवर्क इशू आ रहा है, बच्चे अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, और कई बार क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी एक इशू था। तो अब क्योंकि ऑफलाइन हो गया है तो बैक टू यू नो स्ट्रीम हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है बिल्कुल अच्छा और मतलब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे REPG कॉलेज पानीपत में नव सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया गया है। यज्ञ के द्वारा, महाविद्यालय की यज्ञशाला में यज्ञ हवन के द्वारा हमने शुभारंभ किया है। सभी छात्र छात्राओं ने और प्राध्यापकों ने उसमें शामिल होकर अपनी आहुति डाली। आर्य समाज बड़ा बाजार के जो पुरोहित हैं पंडित प्राजी देव जी, उन्होंने वेद मंत्रों के माध्यम से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। गौरतलब है कि पानीपत शहर में 3 प्राइवेट कॉलेजेस और एक सरकारी कॉलेज है। कॉलेज की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, लीजिए आप भी सुनिए। चलिए कोरोना के आखिरी दौर से बचते हुए त्योहारों का आनंद लीजिए। दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, क्रिसमस और फिर हैप्पी न्यू ईयर। हिप हिप हुर्रे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।